भूलने की बीमारी क्यों होती है? आसान भाषा में समझे इसका कारण। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग चीजें रखकर भूल जाते हैं। बोलते समय उनकी जुबान लड़खड़ाती है और दिन भर के सामान्य काम करते समय छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, जैसे खाना पकाते समय उन्हें मसालों की मात्रा कितनी रखनी है आदि। अगर आप भी इस तरह की समस्याएं और याददाश्त से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं ना, तो ये संकेत हो सकता है कि आप शायद भूलने की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भूलना कोई अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई मामलों में मस्तिष्क और याददाश्त से जुड़ी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। साथ ही इस तरह की स्थितियां शरीर में पोषण की कमी के कारण भी देखने को मिल सकती हैं। बहुत से लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि उन्हें चीजों को याद रखने में कठिनाई और उन्हें भूलने की समस्या क्यों होती है या किन कारणों से ये स्थिति देखने को मिलती है। भूलने की बीमारी क्यों होती है? भूलने की समस्या का एक बड़ा कारण है डिमनेशिया, जिसमें व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बोलने में परेशानी, घर से बाहर जाकर रास्ता भूल जाना, घर में वॉशरूम और किचन के बीच रास्ता भूल जाना या पता ना चल पाना, ओरिएंटेशन ठीक ना होना, कुकिंग करते समय फूड और मसालों की मात्रा तय ना कर पाना, इसके कुछ आम लक्षण हैं। इस स्थिति में व्यक्ति उन कार्यों को करने में कठिनाई महसूस करता है जिन्हें वह काफी लंबे समय से करता आ रहा है। इसके अलावा व्यक्ति लोगों के बीच उठना बैठना भी काफी कम कर देते हैं और अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये सभी लक्षण डिमनेशिया का हिस्सा है। मेमोरी लॉस या चीजें भूलना डिमनेशिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट या लक्षण है, लेकिन यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। मेमोरी लॉस के कारण क्या है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ कारण ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी इन्हें रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन कुछ न्यूरोडीजेनरेटिव कारण होते हैं। रिवर्सिबल कारणों में सबसे आम है शरीर में विटामिन B12 की कमी। इसके अलावा ब्रेन इन्फेक्शन, ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन, थायराइड की बीमारी आदि। न्यूरोडीजेनरेटिव कारणों में सबसे आम है अल्जाइमर। इसके अलावा फ्रंटोटेम्पोरल डीजनरेशन और कभी कभी पार्किंसन के रोगियों को भी कुछ सालों तक डिमनेशिया यानी कि मेमोरी लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं? मेमोरी लॉस सिर्फ डिमनेशिया का एक लक्षण है, लेकिन ये सिर्फ डिमनेशिया का एकमात्र ही लक्षण नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक कड़ी बीमारी, रोग या स्थिति है। स्थिति में सुधार के लिए आप अपने लक्षणों के आधार पर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।